जोधपुर में चार नौकरों ने अपने ही मालिक समेत चार लोगों को नींद की गोलियां देकर करीब 10 करोड़ की चोरी की वारदात की। हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी अशोक चोपड़ा के घर पर यह चोरी हुई है। जानकारी के मुताबिक चारों को बेहोश करने के बाद नकदी और ज्वेलरी कार लेकर फरार हो गए। चारों नेपाली नौकरों को 2 महीने पहले ही काम पर रखा था। सीसीटीवी भी उन्होंने तोड़ दिए, साथ ही अपने साथ सभी कारों की चाबियां भी ले गए। वही चोरी की गई गाड़ी कुचामन के पास बरामद हो चुकी है। चोरों ने अपने मोबाइल फोन भी रास्ते पर ही फेंक दिए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जोधपुर में रिश्तों के खून लगातार होते जा रहे हैं, लेकिन अब भरोसे के खून की जो एक सनसनी की दास्तान सामने आई है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप घर में किसी भी नौकर को रखते हैं और वेरीफाई नहीं करते हैं तो आप भी इसी तरह की वारदात के शिकार हो सकते हैं। जोधपुर के सबसे पॉश कॉलोनी जो मानी जाती है एयरफोर्स की, जिस गोल्फ कोर्स कॉलोनी में, यहां नेपाली नौकरों ने घर वालों को चूना लगा दिया। जितनी भी गाड़ियां थी उनकी चाबियां ले गए, एक गाड़ी चुरा करके ले गए, 2 नेपाली दंपति और 4 जनों ने मिलकर के जिस तरह से कांड किया उसके चलते ज्वेलरी है, विदेशी घड़ियां हैं, उसके अलावा कैश है, वो सब लेकर के गए हैं। हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी आकाश चोपड़ा और जो के विश्नोई दोनों पार्टनर है, इस घर के अंदर कल रात को फ्राइड राइस जो है घर वालों को खिलाए गए। 2 ड्राइवर भी है वो भी बेहोश हो गए। आकाश चोपड़ा, उनकी पुत्री भी जो है वो बेहोश हो गई है। कोशिश करते हैं जायजा लेते हैं, ये वही जो घर है जहां पर उस वारदात को अंजाम दिया गया। और देखिए कि जिस तरीके से ये वारदात सामने आई है, खुद पुलिस भी इस बात से परेशान है। और के विश्नोई हमारे साथ बात करते हैं। सर, आकाश जी आपके पार्टनर है, घटना कैसी हुई? अशोक जी, हाँ अशोक जी मेरे पार्टनर हैं, पिछले 20 वर्ष से हमारा व्यवसाय साथ में है हैंडीक्राफ्ट का। और कल रात्रि को शायद भोजन के वक्त ऐसा मानना है कि कुछ नशीला पदार्थ या जहरीला पदार्थ इन्होंने खिलाया, जिससे वो लगभग अभी तक भी बेहोशी की हालत में और काफ़ी मात्रा में, अब वो जब होश में आएंगे तभी अपन एग्जैक्ट आंकलन कर पाएंगे, लेकिन काफ़ी मात्रा में गहना और ज्वेलरी, कुछ घड़ियाँ वगैरह सब कुछ, वो गाड़ी भी उनकी लेकर के चले गए, सारी गाड़ियों की चाबियां लेकर के चले गए। सर, 2 महीने पहले एजेंसी के माध्यम से इनको रखा जाता है। दो नहीं, ये लगभग एक महिला तो यहाँ पर लगभग 4 साल से है और ये 3 जो 2 पुरुष और 1 लड़की, ये अभी नई एजेंसी से लगभग 3-4 महीने पहले आए। सर कैसे देखते हैं, क्योंकि आमतौर पर अभी जो सर्वेंट में भरोसा सबसे ज़्यादा नेपाली पर होता है, सर नेपाली ज़्यादा भरोसेमंद होता है, लेकिन ये वारदात के पीछे वजह क्या लगती है आपको? अब इसमें तो राजीव जी मेरे को वजह का तो अब क्या, उनसे उनको पकड़े जाने पर ही पता चल सकता है क्या वजह। आकाश चोपड़ा जी की अभी तभी उनकी बेटी की अशोक चोपड़ा उनकी तबीयत वगैरह कैसे? अभी तक वो होश में नहीं है दोनों बाप बेटे, और उनके 2 चालकों को भी जहरीला पदार्थ खिलाया था तो वो श्रीराम हॉस्पिटल में एडमिट है। तो आप देख सकते हैं शोभन सिंह, आपको मिरर से क्योंकि दरवाजा पुलिस बंद कर चुकी है, पड़ताल चल रही है। जो एफएसएल की टीम है, चाहे पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ है, वही आए हैं। उसके अलावा तमाम जो एजेंसियां हैं वो अपने अपने स्तर पे जांच करें कि इस तरह की जो घटना सामने आई है ये चौंकाने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार पुलिस जब ये कहती है कि आपके घर में जो किराएदार रखे जाते हैं उनका वेरिफिकेशन और उसके अलावा नौकरों का वेरिफिकेशन, सवाल ये है कि क्या पुलिस ने वेरिफिकेशन किया, क्या जो मकान मालिक हैं उन्होंने क्या वेरिफिकेशन करवाया, कि इस तरह की घटनाएं जब सामने आती है तो जो दूसरे लोग हैं जिनके घर में सर्वेंट्स होते हैं उन पर किस तरह का असर पड़ता है। अब सोच सकते हैं कि इस तरह की जो घटना सामने आई है ये चौंकाने वाली है। फिलहाल पुलिस पड़ताल कर रही है, इसके बाद पता लगेगा कि ये कहां तक पहुंचे हैं। नाकेबंदी करा दी गई है, आगे तमाम थाने जो उनको सूचना कर दी है, लेकिन जब तक पकड़ में नहीं आते जब तक ये पूरी किस तरीके से रचना और व्यूहरचना रची गई और ये मामला किस तरीके से करेगा पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। शोभन सिंह गहलोत के साथ राजीव गॉडफर्स, इंडिया न्यूज़, जोधपुर। तो 4 नौकर जिन्हें 2 महीने पहले ही रखा गया था काम पर, इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर फरार हुए। 10 करोड़ की चोरी होना बताया जा रहा है हैंडीक्राफ्ट व्यवसाय के घर पर। हालांकि 4 जो सदस्य घर पर मौजूद थे, जिसमें पिता और बेटी और 2 ड्राइवर थे, सभी को नींद की दवा दी गई थी खाने में मिलाकर, जिसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। चलिए जोधपुर से सहयोगी राजीव गौड़ एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, बेहद अहम है ये वारदात को जिस तरह से अंजाम दिया गया, ऐसे में नौकरों के ऊपर से भरोसा तो और ज्यादा उठ जाएगा, लोग भरोसा ही नहीं करेंगे। अभी क्या किस तरह का कोई सुराग इन्हें लेकर मिला है, या फिर जो सुराग मिल सकता था, जैसे फोन उन्होंने फेंक दिए हैं, गाड़ी छोड़कर फरार हुए, अब तो जरा मुश्किल होगी पुलिस के लिए भी। अब
देखिए निश्चित रूप से बड़ी खबर यह है इस वक्त की, उनके जो मोबाइल जो गाड़ी में थे, लैपटॉप था, गाड़ी थी, गाड़ी बरामद हो गई है। कुचामन पुलिस ने गाड़ी को बरामद कर लिया है और दो मोबाइल को उसके अंदर मिले हैं, वो ट्रेन में बैठ करके आगे निकल गए हैं। लेकिन एक और बात बताई जा रही है कि पुलिस उनके पीछे पीछे है। अगर पुलिस रास्ता नहीं भटकी या नेपालियों ने कोई गलत काम रास्ता नहीं पलटा, हो सकता पकड़ में भी आ जाए। पुलिस कमिश्नर रजत गौड़ इसको लेकर मंत्री कर रहा है। डीसीपी अमृता दुहन यहाँ पहुंची हैं, वो अंदर यहाँ पड़ताल कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मोबाइल जलाने की बात है, यहाँ जो जिन मकान मालिक हैं उन लोगों के मोबाइल लेकर के गैस के ऊपर मोबाइल तक जला दिए गए, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से इस घटना को जो है अंजाम दिया गया है। और अभी सबसे बड़ी सूचना एजेंसी, जिस एजेंसी के माध्यम से लगाया गया था, उन चारों में से एक व्यक्ति जो इस वारदात में शामिल होना नहीं चाहता था, उसने एजेंसी को फोन किया और कहा कि ये सब लूटपाट कर रहे हैं। तो एजेंसी वालों ने इनको फोन किया, लेकिन ये सब बेहोश थे दवाई के अंदर और इसलिए सूचना लेट हुई। लेकिन उन्होंने पहले शराब पार्टी की है, यहां पर मीट पकाया, चिकन खाया है, उसके बाद जो जहर लाए वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि इस जहर का असर कम से कम 12 से 15 घंटे तक रह सकता है, तब तक उन्होंने यहां पर पार्टी की है। अपनी तरह की पहली वारदात है जिसमें मतलब वारदात को अंजाम देने के बाद पार्टी करके फिर यहां से वो निकले हैं। मुरारी गौड़ जो इस वक्त कुचामन में है, उनकी जो सूचना हमारे पास सामने आई है, जयपुर से जो बड़ी संवाददाता सत्यनारायण जी से बातचीत जिससे हुई है, पुलिस पूरे प्रदेश में नाकेबंदी कर रही है, इस तरह की वारदात पर अंजाम लगाने की पूरी पूरी कोशिश। आप देख सकते हैं अंदर डीसीपी उनकी पूरी जो टीम है वो लगातार जो है वो पड़ताल कर रही हैं। और उम्मीद की जाती है कि जिस स्पीड, क्योंकि एक सदापुरा में भी इस तरह की वारदात घटी थी, वो अभी तक खुली नहीं है। और इस वारदात को लेके इसलिए क्योंकि जब उन्होंने फ़ोन ही फेंक दिए हैं, कनेक्शन टूट चुका है, बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन ये सबक भी है, अगर नौकरों का वेरीफिकेशन नहीं कराएंगे, किराएदारों का वेरीफिकेशन नहीं कराएंगे, तो इस तरह की और भी जो वारदात है वो आ सकती है। डीसीपी अमृता दोहन यहाँ पहुँची, इससे पहले रविदत्त गौड़ यहाँ पहुँचे थे। कई पुलिस थानों के जो थानाधिकारी अपने जाब्ते के साथ आईटी सेल की बात करें या जो फिंगर एक्सपर्ट्स हैं वो सब यहाँ पर पहुँचे हैं। और अब उनकी बेटी चूंकि जैसलमेर से जिसको सबसे पहले मैसेज हुआ वो यहाँ पहुँची हैं, उसके बाद अब चूंकि उनकी तबीयत जो है वो बेहोशी अभी पूरी तरह से टूटी नहीं है। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के अंदर जिस तरीके से परिवार के जो सदस्य हैं वो इसलिए हैरान और परेशान है कि इस तरह की जो वारदात सामने आई है उसके बाद से सब घबराए हुए हैं। के विश्नोई भारतीय जनता पार्टी के जो सचिव हैं वो यहाँ इनके पार्टनर हैं और दो एक और पार्टनर वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरी वारदात के अंदर कितने सोच समझ के एक तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिस तरीके से यहाँ पे पार्टी की गई है, जिस कॉन्फिडेंस से जो नशीला पदार्थ लाया गया है वो कितने देर तक गया, मोबाइल को लेके जला देना ये अपने आप में बड़ी बात है, सीसीटीवी को तोड़ देना और उसके साथ में जिस तरीके से यहाँ से कारों की चाबियाँ लेकर के चले जाना, एक कार को चोरी कर लेना, कार को रस्ते में फेंक देना और मोबाइल को रस्ते में फेंक देना, यानी कि पूरी की पूरी सोची समझी सारी। लेकिन कहते हैं कि एक कड़ी जो है वो बहुत महत्व, जिसने एजेंसी को फोन किया और एजेंसी ने नेपाल जाने पर रोक लगा दी है, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि उस एजेंसी ने भारत सरकार को आग्रह कर दिया है। तो किसी भी तरीके से अब हो सकता है कहीं चोरी छुपे रह जाए बात अलग है, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस पूरी जो मशक्कत सीनियर ऑफिसर्स कर रहे हैं, पुलिस कमिश्नर रजत गौड़ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगता है कि वो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, पकड़ तो आज नहीं तो कल आना ही है। लेकिन ये जो वारदात है ये चौंकाने वाली है। जी श्वेता राजीव, क्या चारों को होश आ गया है, क्या बात करने की स्थिति में है, कुछ बताया हो व्यवसायी ने या फिर उनकी बेटी ने या फिर दो ड्राइवर? देखिए जिस तरह के दो ड्राइवर्स हैं वो जोधपुर के निजी अस्पताल में भर्ती हैं, बाकी जो दो हैं उनमें एक को होश आ गया, मगर खुद जो अशोक चोपड़ा हैं उनको अभी होश आया नहीं है। और इसीलिए होश ठीक है, वो पहचान रहे बात, सब चीज़ें ठीक है, लेकिन बेहोशी होती है एक नींद की गोली का असर। अभी जिस तरीके से डॉक्टर विरम आए थे, डॉक्टर विरम ने भी इस बारे में जानकारी दी थी। और इस वक्त आप तस्वीर देखिए, अंदर जो सामने किचन दिखाई दे रहा है वहाँ उन्होंने जिस तरीके से मीट पकाया है, गैस के ऊपर मोबाइल को सेका है, आप सोचिए कि कितना हीनियस तरीके से इस वारदात को अंजाम देगा, जिससे कि मोबाइल जल जाएंगे तो काम नहीं आएंगे। अब जो फॉरेंसिक लैब आई है, आईटी की सेल आई है, वो सब देखो फिंगरप्रिंट किस तरीके से अंदर लेने की कोशिश चल रही है और पूरी टीम को जिस तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है, तो ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं। देरावर सिंह जो इस वक्त आप देखें तस्वीरों के अंदर, देरावर सिंह दिखाई दे रहे हैं, देरावर सिंह सुबह से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, परिवार के लोगों से फीडबैक ले रहे हैं और हम कोशिश भी करेंगे कि देरावर सिंह से या यहाँ के जो अधिकारी हैं किसी से बात करने की कोशिश करें। लेकिन चूंकि जिस तरह की वारदात आई सामने आई है, ऐसे में कहीं ना कहीं जब तक वारदात नहीं खुलती
होती है, तो लोगों को कहीं ना कहीं चिंता बनी रहेगी कि किस तरीके से ये पूरे मामले को लेकर के जो है वारदात कैसे खोली जाती है। एक और पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं शायद दरवाजा के अंदर, DCP अमृत धुवन आई है और सूचना ये भी मिली कि कोई बड़ी जानकारी जो है वो बाहर आने वाली है। और किस तरह की जानकारी बाहर आने वाली है कि ये इस पूरी घटनाक्रम पर पूरे जिस तरीके से प्रदेश में सब लोग चौकन्ने हो गए हैं कि अगर नौकर इस तरह की वारदात को अंजाम दे सकते हैं तो आप देखिए कि किस तरीके से, और आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि यहाँ अंदर पूरी तरह से पड़ताल चल रही है। पूरी तरह से जब यहाँ से पुलिस सेटिस्फाइड हो जाएगी, सारी एजेंसियाँ जो यहाँ पर जो गुप्तचर एजेंसी है वो भी पहुँच चुकी है कि मामला नेपाल से जुड़ा हुआ है और एजेंसियों में जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, ऐसे में लगता है पुलिस की टीम अब बाहर निकलने को है। तमाम जो अलामत हैं, तमाम जो सबूत हैं, जहाँ किस तरीके कितनी चोरी हुई है अब उसकी सूची बन रही है, उसके बाद जस्टिफाई हो पाएगा कि आखिर किस तरीके से क्या क्या सामान यहाँ से गया। विदेशी घड़ियों की बात सामने आ रही है जो जिस तरीके देखिए सामान लेकर के बाहर भी आ रहे हैं और अब ये पुलिस की जो कार्रवाई लगता है पूरी होने की ओर है। और आप देखिए कि किस तरीके से जो अलामत है उन सबको पैकिंग करके और यहाँ से जो पुलिस की जो टीम है वो यहाँ से रवाना हो रही है। और देखिए कि अब अधिकारी जैसे बाहर आते हैं उसके बाद इस बात का खुलासा होगा कि इस वारदात को अंजाम जो है वो दिया कैसे गया, वो चिकन कहाँ से रहे थे, चिकन लाकर के यहाँ से पकाया था, आसपास वो भी पड़ताल की जा रही है। और उनके जो मोबाइल थे, उनके पास अलग अलग तरह के मोबाइल थे, हो सकता है कोई मोबाइल उनके पास हो, उसके लोकेशन के माध्यम से पुलिस उन तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हैं स्वर्गीय भवानी सिंह आपको अशोक चोपड़ा के घर के अंदर की एक मिरर लगा उसके माध्यम से दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि कुछ ना कुछ सुराग, क्योंकि यहाँ से सुराग हाथ में लग जाए लेकिन जब तक आरोपी हाथ में नहीं आएंगे तब तक एक बड़ी चुनौती पुलिस के लिए जो है वो बनी रहेगी। आप देखें कि जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस की टीम एजेंसियाँ कार्रवाई कर रही हैं, पड़ताल कर रही हैं, आप ऐसे में देखें कि ये तस्वीरें निश्चित रूप से DCP अमृता धुवन हैं वो यहाँ पर पहुँची हुई हैं। और आप देखिए ये कहाँ किचन आपको दिखा रहे गैस जहाँ पे ये अलामत जो है, जहाँ मीट पकाया गया था, जहाँ पर मोबाइल जलाए गए थे, कोशिश बाहर से भवन सिंह कर रहे हैं, ये गैस का जो चूल्हा है अंदर जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी, ये तमाम जो घटना है ये अपने आप में चौकर प्रदेश की अपनी तरह की एक अलग तरह की घटना कही जा सकती है। जी श्वेता बिल्कुल, और इसलिए ये बहुत चैलेंजिंग पुलिस के लिए भी रहेगा। हालांकि जिस तरह से राजीव आप बता रहे हैं कि पुलिस लगातार इनके पीछे लगी हुई है, गाड़ी और मोबाइल तो इन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन राजीव आपने कहा कि ट्रेन से रवाना हुए, पुलिस क्या अंदाजा लगा रही है ये क्या नेपाल के लिए फरार हुए होंगे, कैसे पुलिस इन्हें ट्रैक करने की कोशिश कर रही है, किसी अधिकारी से बातचीत हुई क्या? देखिए एजेंसी के पास जी, देखिए जिस तरह अधिकारियों से बातचीत हुई है तो उस हिसाब से उन्होंने कुचामन पे गाड़ी को छोड़कर ट्रेन में चढ़े हैं, उनके सबके जो नंबर हैं वो एजेंसी के पास होते हैं। मान लीजिए सारे मोबाइल फेंक भी दिए तो कोई ना कोई एक कनेक्टिव मोबाइल जरूर उनके पास होगा, क्योंकि उन चारों में से एक ऐसा जयचंद कहा जा सकता है, एक ऐसा व्यक्ति कहा जा सकता है जो उनकी जानकारी उसने एजेंसी को दी थी। तो एजेंसी वाले ने ही यहाँ अशोक चोपड़ा की परिवार को सूचना दी थी, लेकिन अशोक चोपड़ा फोन नहीं, वो तो बेहोश थे। उनकी बेटी को इतला की गई तो बेटी ने भी रात को फोन सुबह मैसेज देखा तो जैसलमेर सबसे पहले उसने सबको सूचना करी और उसके बाद में तमाम उनके जो पार्टनर वगैरह पहुंचे। तो जो ट्रेन में बैठ करके गए हैं तो अब उम्मीद है कि आगे से आगे सेंटर पे मैसेज किया, सब फोटो जारी कर दिया, फोटो भी जिस तरीके से पुलिस ने जारी कर दिया तो उससे उम्मीद है कि कहीं कोई रास्ता जरूर निकलेगा। लेकिन नजर बनाकर रखिए राजीव, आप आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।